अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है कोल्हापुरी मटन थाली, जिसमें बनेगा मटन सूखा, तांबड़ा रसा, राइस और भाकरी। तो चलिए देखते हैं कोल्हापुरी मटन थाली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 1 किलो मटन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक मैं कम ही ले रही हूँ क्योंकि आगे ग्रेवी में जो मैं कांदा मसाला यूज़ करने वाली हूँ उसमें ऑलरेडी नमक डला हुआ है। मटन को हम प्रेशर कुकर के लेंगे। मटन को प्रेशर कुकर में गलाते वक्त हमें गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है और 1 सीटी आने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो करना है। 6 से 7 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। कोल्हापुरी मटन थाली का ऑथेंटिक फ्लेवर आने के लिए हमें जिन गरम मसालों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 7-8 काली मिर्च, 1 टीस्पून शाहजीरा, 3-4 लौंग, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने। गरम मसाले आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमारे ग्रेवी में जाएगा वो है कांदा मसाला। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कांदा मसाला लिया है मटन सूखा के लिए और 1 टेबलस्पून लिया है तांबड़ा रसा के लिए। कोल्हापुरी मटन थाली है तो ग्रेवी हमारी झनझनीत और झनकेदार होना लाजमी है, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून मिर्च पाउडर सूखा मटन के लिए और 1 टीस्पून तांबड़ा रसा के लिए। अगर आपको ग्रेवी और स्पाइसी चाहिए तो आप और ज़्यादा मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो। अब गीले मसाले की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ लिया है मीडियम साइज़ खोपरे का 1/3 हिस्सा, जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, और 4 मीडियम साइज़ प्याज। साथ ही मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 बड़ी मुट्ठी कोथमीर की, 1.5 इंच के करीब अदरक और 10-12 कलियाँ लहसुन की। अब इन मसालों को हम थोड़ा भून कर लेंगे और उसके बाद इनकी पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो गर्म मसाले हैं उन्हें हम ड्राई रोस्ट करके लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखना है। मसालों में से जब भीनी भीनी खुशबू आने लगे, साथ में तिल जो है हमारे वो पॉपअप होने लगे, उस समय हम इन मसालों को कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। और अब सूखे खोपरे को भी हम इस कढ़ाई में भून कर लेंगे लो फ्लेम पर। खोपरे का कलर थोड़ा चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। खोपरे को भी हम कढ़ाई से निकाल ले लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे और इसमें हमारे प्याज जो है उसे भून कर ले लेंगे। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये जब थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल ले लेंगे। अब इन प्याज़ों को, खोपरे और गर्म मसालों को, टमाटर, कोथमीर और अदरक लहसुन को मिक्सर में से हम एक साथ पीस कर बारीक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। देखिए मटन भी हमारा यहाँ बॉईल हो चुका है, तो चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बनाऊंगी मटन सूखा, जिसके लिए मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 3 टेबलस्पून तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब मैं इसमें ऐड करूंगी पीसे हुए मसाले का आधा पोर्शन। अब इन मसालों को हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून कर लेना है। अब तक इसमें मैंने कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं किया है। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कश्मीरी लाल मिर्च का कमाल है। चलिए गीले मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कांदा मसाला। कांदा मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मसालों को हमें अच्छी तरह से भून के लेना है लो फ्लेम पर 2 मिनट तक। चलिए मसाला हमारा भून के रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन के पीसेस को। मैं 3/4 हिस्सा मटन के पीसेस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से पीसेस लीजिए। अब इन मसालों के साथ हमारे बॉईल किए हुए मटन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मटन सूप।
अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए, मटन सूखा पककर रेडी हो चुका है। और अब हम शुरुआत करते हैं तांबड़ा रसा बनाने की। तो यहाँ कढ़ाई में मैं सबसे पहले ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तांबड़ा रसा बनाने की भी प्रोसीजर लगभग सेम ही है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ गीला मसाला। इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करके लेना है। मसाला हमारा भूनकर रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कांदा मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और बस 2 मिनट के लिए हमें इन्हें थोड़ा भून कर लेना है। फिर से ये मसाला भी भून के हमारा रेडी हो चुका है और अब हम बचे हुए मटन के पीसेस को इसके अंदर ऐड करेंगे। मटन का सूप थोड़ा सा बचाकर बाकी का सारा इसके अंदर ऐड करना है हमें। तांबड़ा रसा की ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी पानीदार होती है, इसीलिए मटन बॉईल करते वक्त ही हमें शुरुआत में इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना होता है। अब ग्रेवी को हम एक बॉईल आने देंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक उसको पकाएंगे। माशाल्लाह, तांबड़ा रसा हमारा मस्त एकदम पक कर रेडी हो चुका है। और अब मैं बनाऊंगी ज़ीरा राइस। तो उसके लिए एक बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब उसमें मैं ऐड करूँगी तेज़पत्ते। और गरम मसाले में कुछ लौंग और काली मिरी और साथ में ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज चौकी हुई प्याज। प्याज को हमें थोड़ा गुलाबी होने तक तेल में फ्राई करके लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। चावल मैं ले रही हूँ 250 ग्राम्स, तो उस हिसाब से 1 ग्लास चावल मेरे बैठते हैं, तो मैं यहाँ लूँगी 2 ग्लास पानी क्योंकि मुझे चावल थोड़े एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाने हैं, नरम बनाने हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। अब बर्तन को ढककर पानी में एक बॉईल आने के लिए देंगे। पानी अब बॉईल हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम्स चावल, जिसे मैंने वॉश करके ले लिया है। चावल जब तक हमारे रेडी होते हैं मैं यहाँ भाकरी बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं बना रही हूँ ज्वार की भाकरी। हमारी फुली फुली ज्वार की रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। साथ ही हमारा ज़ीरा राइस भी बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अलग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।